मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो चुका है। इस सरकार में बीजेपी नेताओं और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के खाते में कौन कौन से मंत्रालय आए हैं, चलिए हर बड़ी बात जान लेते हैं। तो नई मोदी सरकार में चार बड़े मंत्रालयों गृह, रक्षा, वित्त और विदेश के मंत्री फिर से पुराने चेहरे होंगे, यानी अमित शाह गृह, राजनाथ सिंह रक्षा, निर्मला सीतारमण वित्त और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय संभालेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय में लौट आए हैं। ये विभाग उन्होंने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी संभाला था। देश भर में सड़कों के नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए तारीफ पाने वाले नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिला है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी मामले और ऊर्जा से संबंधित मंत्रालय दिए गए हैं। बात रेल की करें तो ये फिर से अश्विनी वैष्णव को मिला है। उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रहेगा। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिला है। बात बीजेपी के सहयोगी दलों की करें तो जेडीएस के एसडी कुमार स्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय मिला है, जबकि हम सेक्युलर नेता जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला है। तेलुगु देशम पार्टी के राममोहन नायडू को नागर विमानन मंत्रालय और एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला है। बीजेपी के सहयोगी दलों को ये मंत्रालय तब मिले हैं जब इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और वो पूर्ण बहुमत के आंकड़े 272 से दूर रह गई। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए ने चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। ऐसे में बीजेपी के लिए सहयोगियों की अहमियत बढ़ गई है।